press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक के बाद एक लूट की वारदात सामने आ रही है, जबकि पुलिस इन पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। शनिवार रात सांगानेर थाना इलाके स्थित प्रेम कॉलोनी में 5 नकाबपोश बदमाशों ने परचून के होलसेल ट्रेडर की दुकान पर धावा बोला और हथियार दिखाकर 2 मिनट में ही वारदात कर भाग गए। रात करीब 10:07 पर बदमाश अंदर घुसे और मारपीट करते हुए गल्ले से रुपए निकालने लगे। उन्होंने दुकान में फायर भी किया। शुक्र रहा कि किसी को लगा नहीं। बदमाश रुपए लेकर 2 मिनट में ही भाग निकले। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मण गौड़ ने बताया कि बदमाश होलसेल ट्रेडर पंकज कुमार गर्ग की दुकान के गल्ले में रखे करीब 1.5 से 2 लाख रुपए ले गए। माना जा रहा है कि बदमाशों ने पहले रैकी की थी, क्योंकि प्रतिदिन इसी समय पर कलेक्शन करते हैं। पुलिस के मुताबिक बदमाश कार से आए थे, जाते हुए उन्होंने दुकान के शटर पर भी फायर किया। दुकान में पंकज के अलावा उनके पिता ईश्वर गर्ग, पत्नी ज्योति, 4 साल की बेटी नव्या, कर्मचारी मोनू और योगेंद्र भी उस समय मौजूद थे। बदमाशों के डर से काउंटर पर बैठी बच्ची नीचे गिर गई। अचानक हुई वारदात से परिवार सदमे में है। वहीं पंकज की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में बदमाशों के आने से लेकर पूरी वारदात करने का एक घटनाक्रम कैद हो गया। पुलिस अब फुटेज के आधार पर यह पता लगा रही है कि बदमाश कौन थे। पुलिस उनकी कार के नंबर का भी पता लगाने में लगी है। फायरिंग की घटना के बाद सांगानेर के आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना पर एसीबी पूनम चंद विश्नोई और ललित शर्मा मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।